अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शेख एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे फेसबुक के पेज की मोनेटाइजेशन अनेबल हो चुकी है, बट काफी ज्यादा लोगों के मुझे कॉमेंट्स मिले कि ये फेक है। हालांकि वहां पर मैंने स्क्रीनशॉट भी वहां पे अपलोड किया हुआ था पोस्ट में, बट काफी ज्यादा लोगों के जो है यही कमेंट आ रहे थे। और काफी ज्यादा लोगों ने, जो समझदार लोग थे, उन्होंने तो मुझसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, आपने किस तरह जो है वो अनेबल करवाई, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज अभी अलाउ नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह अपने फेसबुक की जो है वो मोनेटाइजेशन को अनेबल करवाया और नेक्स्ट जो है मैं किस तरह इससे अर्न कर सकता हूँ। आप लोग भी अर्न कर सकते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा कि आप लोग फेसबुक से किस तरह कॉपी पेस्ट वर्क पे लाखों रुपए मंथली अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम के तमाम जो है वो इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरह जो है फेसबुक चैनल को, जो फेसबुक पेज को जो है वो मोनेटाइजेशन को एनेबल करवा सकते हैं और इसके लिए आपके लिए क्या क्या चीजें जो है जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट क्या है, वो तमाम चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और आपको विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा अपने फेसबुक पेज का जो विजिट करवाऊंगा जहां से मैं अर्न कर रहा हूं, तो वो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर ओरिजिनल वर्क कर रहा हूं, उस पर कॉपी पेस्ट वर्क पे मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं और किसी किस्म का कोई भी इश्यू नहीं आ रहा। और मैं आपको इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बताऊंगा। अगर आप लोग भी अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है अगर फ्री रहते हैं तो फेसबुक से इजीली अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब पे खुद को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, बट फेसबुक पे आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना क्राउन ब्राउजर ओपन किया हुआ और अब मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं फेसबुक पेज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आप अगर फेसबुक यूजर हैं तो आपका कोई पेज है, उसके बाद आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर आपने वो ओपन करना है जिसमें आपकी फेसबुक लॉगिन हो, मतलब कि ये ब्राउजर मैंने ओपन किया हुआ, इसमें मेरी फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन है। ठीक है, फेसबुक लॉगिन है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है एड ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एड ब्रेक्स यहाँ पे देख सकते हैं, एड ब्रेक्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे पहले नंबर पे आपके पास जो वेब पेज आएगा आपने इसको ओपन करना है, ये जो वैली वेबसाइट है अर्न मनी विद एड ब्रेक्स फेसबुक। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है अर्न मनी विद योर वीडियोस ऑन फेसबुक। आप अपनी वीडियोस के जरिए फेसबुक से जो है वो कमाई कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग जो है वो अर्निंग कर सकते हैं अपनी वीडियोस के जरिए। ठीक है, तो आप कॉपीराइट पे भी काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बिल्कुल भी ओरिजिनल काम नहीं कर रहा फेसबुक पेज पे, कॉपीराइट काम कर रहा हूं। अभी मैं आपको आप अर्निंग दिखाऊंगा तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा अर्निंग वो भी कॉपीराइट पे। तो फेसबुक पे अभी किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलती आपको, आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जो है वो अर्न कर सकते हैं मनी जितनी करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो पेज हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो जैसे पेज यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा फर्स्ट पेज है किंग ऑफ उर्दू। ठीक है, और भी मेरे पेजेस हैं बट यहाँ पे फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे आपको बताएगा आपका जितने भी पेजेस होंगे उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे बता रहा है कि नॉट एलिजिबल, ये अभी एलिजिबल ही नहीं है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट है आपके पास 10,000 फॉलोवर्स, मतलब कि आपके पेज पे 10,000 लाइक्स होने चाहिए, 10,000 मेंबर्स होने चाहिए आपके फेसबुक पेज पे। उसके बाद आपके पास जो है 1 मिनट व्यूज होना चाहिए, तो 33 मिनट की जो है वीडियो, ठीक है, 3 मिनट की वीडियो पे 1 मिनट का व्यूज होना चाहिए, मतलब कि आपकी वीडियोस पे लास्ट डेज में, लास्ट 30 डेज में, 2 मंथ में आप लोगों को जो है वो आपके पास जो व्यूज होने चाहिए वो आपको यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे 30,000 होंगे 1 मिनट व्यूज, ठीक है, एक वीडियो पे इतने आपके पास होने चाहिए, मतलब कि 1 मिनट व्यूज होना चाहिए 3 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो हो आपकी एक और उस पर 1 मिनट व्यूज आना चाहिए, 1 मिनट आपकी वीडियो वो देखें। तो इसमें ये चीजें आपको पास होंगी। तो बाकी मैं नीचे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि हु कैन साइन अप, कौन कौन से लोग यहाँ पे साइन अप हो सकते हैं। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन आपको बताया जा रहा है कि एलिजिबल स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, तो उसमें आपका पेज जो है वो फिर आपको रिव्यू किया जाएगा, आपको एलिजिबल होंगे मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद 1 मिनट व्यूज फॉर 3 मिनट वीडियोज,
तो वो मैंने आपको बता दिया कि 1 मिनट व्यूज होना चाहिए, 3 मिनट की वीडियो हो टोटल आपकी जो फेसबुक पेज पे हो, और उसके अंदर जो है आपका 1 मिनट व्यूज हो, 1 मिनट उस पर्सन ने देखा हो। उसके बाद ये आपको रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो आपको ये बताई जा रही है, बट आपके लास्ट जो है होंगे 2 मंथ में आपके पास ये रिक्वायरमेंट होंगे, लास्ट 2 मंथ में आपकी 3 मिनट की वीडियो में आपका 1 मिनट का व्यूज होना चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो जो है वो अपने अगर फेसबुक पेज आपका है, आप लोग इसका जो है वो ये बेसिकली वॉच टाइम है, बेसिकली यूट्यूब की तरह ये वॉच टाइम ही है। तो ये आप लोग इंक्रीज करने के लिए आप जो लॉन्ग वीडियो है वो अपलोड करें। ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लॉन्ग वीडियो जो है वो अपलोड करें अपने फेसबुक पेज पे, तो इसके जरिए आपका वॉच टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये जस्ट रिक्वायरमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। 10,000 फॉलोवर्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो पेज है उस पर 50,000 जो है 50,000 प्लस लाइक्स हैं उस पर, फॉलोवर्स हैं मेरे, तो उस पर मैं आपको भी अर्निंग दिखा देता हूँ। और मैं उस पेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इस पेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस पेज ऑलरेडी हैज ब्रेक, ठीक है, तो ऑलरेडी हैज एड ब्रेक, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे एलिजिबल किया हुआ है, मतलब कि मेरी इस पेज की मोनेटाइजेशन ऑन है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है गो टू क्रिएटिव स्टूडियो, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो गो टू क्रिएटिव स्टूडियोज में हम जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास आपका डैशबोर्ड, जैसे कि आपका यूट्यूब के अंदर डैशबोर्ड होता है, इसी तरह फेसबुक का डैशबोर्ड भी आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फेसबुक का डैशबोर्ड है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अर्निंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज की, सॉरी मंथ कह दिया, लास्ट 7 डेज की जो अर्निंग है वो आप देख सकते हैं $232 सिर्फ और सिर्फ लास्ट 7 डेज की है। और आप मंथ की अर्निंग लगा सकते हैं कि एक मंथ की अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि मैंने अभी इस पर स्टार्ट किया था, इसलिए वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पहले मैंने ये सोचा मैं अर्न करूंगा फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये कैसे है, क्योंकि मैंने तब तक नहीं किया जब तक जो है वो हमारे पास ये हम पैसे अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि फेक वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम अर्न नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम वीडियो नहीं बनाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि मैं अर्न किया और वीडियो बनाई। उसके बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, और आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 1 डे की, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे 1 डे की जो अर्निंग है वो आपको यहाँ पे अभी शो होगी। यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे अर्निंग्स पे जो क्लिक करता हूँ, अर्निंग्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग्स पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे अर्निंग्स का भी आ जाता है। तो अभी अर्निंग्स के आपको एस्टिमेट अर्निंग जो है लास्ट 7 डेज की यहाँ पे आपको बताई जा रही है, और उसके बाद नीचे आपको इसका जो है वो ग्राफ वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लास्ट डेज की दिखा देता हूँ अर्निंग। तो यहाँ पे हमारे पास अप्रैल, और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं 6 yesterday, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर अपग्रेड करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कल की जो है मेरी अर्निंग $131 है, वो भी फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप लोग अर्न कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, वीडियो बनाने का मकसद है कि जो फ्री लोग हैं, ठीक है, आप फेसबुक पे अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फेसबुक पे एक पेज बनाएं, अर्निंग करें, अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करवाएं, और उसके बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब आपके पास है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, $131 है हमारे पास, 131.2, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ चुका है $US, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रेट इतना है, और हमारे पास कितनी अर्निंग थी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी के साथ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और एक दिन की अर्निंग जो है वो मेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,500 रुपये जो है वो अर्निंग मैंने फेसबुक के पेज से सिर्फ एक दिन की अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकायदा प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 6 अप्रैल 2019 वो सारी डिटेल्स आपके पास जो है वो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड करूँ, बट यहाँ पे जो आपको डेट है सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो वीडियोज होंगी मोनेटाइज वो आपकी यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए जो वीडियोज यहाँ पे अपलोड की हुई है मैंने, तो वो वीडियोज यहाँ पे है, ये मोनेटाइज हो चुकी है, और उसके बाद ये भी मोनेटाइज हो चुकी है, और यहाँ पे ये जो वीडियोस है ये अभी रिव्यू होगी और उसके बाद मोनेटाइज होगी। तो इस तरह रिव्यू होती है फिर मोनेटाइज होती है। यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं YouTube की तरह भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी आपको तमाम डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं वो मेरी ऑलरेडी मोनिटाइज हैं। तो बहुत सारी वीडियोस मोनिटाइज हैं, कुछ वीडियोस रिव्यू में चली जाती हैं और कुछ देर बाद वो मोनिटाइज होती हैं। तो इस तरह जो है आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म की जो है वो आपके पास नहीं आता, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं मिलेगा और आप लोग इजीली जो है वो फेसबुक से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग भी फेसबुक से अर्न करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मैं जो है वो तमाम का तमाम मेथड मैंने अब आपको बता दिया कि आप किस तरह फेसबुक के पेज को जो है वो आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में मेरा जो है वो नंबर दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का पेज भी दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मतलब कि मुझसे कॉन्टैक्ट करने का हर आपके पास जो सोर्स है वो नीचे अवेलेबल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद आपके पास ईमेल, जहाँ पे आप मुझे करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा अगर आपके पास पेज आपका है, उस पर आपके पास वॉच टाइम कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो वो भी मैं आपको मोनेटाइजेशन ऑन करवा के दूंगा। तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि सारा दिन फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं करते, फेसबुक पे काम करके आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।